जहां एक तरफ हरियाणा और पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं और लगातार दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बीच काफ़ी संघर्ष भी सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर बहुत सारी बैरिकेडिंग की गई है। वहीं दूसरी ओर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान भी एक आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन का आज 24वां दिन है, दूसरी पाली का। इससे पहले भी 110 दिन तक यहाँ पर आंदोलन चल सका है। अभी इस आंदोलन में ताज़ा अपडेट ये है कि जो प्रशासन है उसने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, जिसमें डीएम है, कमिश्नर है और एक अन्य लोग हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि उसमें कमेटी में किसानों को भी शामिल किया जाए। हालांकि अभी किसी भी मामले पर सहमति नहीं बनी है और हम अभी स्थल पर हैं। यहाँ किसान हैं, काफ़ी तादाद में कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी आगे की रणनीति क्या है। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपकी जो बेसिक मांग है वो क्या क्या है? 20-21 मांग है हमारी, पर मैं मोटी मोटी 2-4 बता सकता हूँ आप जल्दी में। तो हमारे 10% की, और एक हमारे भूमिहीनों की, एक 64, और एक नए भूमि अधिग्रहण बिल जो कि राष्ट्रपति द्वारा मान्य और हमारी लोकसभा विधानसभा सबसे पास होके 2013 से लागू हो गया, और वो आज तक इन्होंने हमारे क्षेत्र में तो लागू किया नहीं है। और जहाँ पे भी अगर नया अधिग्रहण भूमि की वजह से ज़मीन लेनी पड़ती है तो वो डायरेक्ट रजिस्ट्री कर रहे हैं, ये उसे मान ही नहीं रहे और उसका वाजिब रेट भी नहीं दे रहे। तो ये तो बहुत दिन से इसी तरह से झूठ तूफान आगे पीछे चुनाव के माध्यम से, चुनाव के नज़दीक आते हैं तो ये झूठे हमें आश्वासन दे देते हैं, लेकिन इस बार हम इनके इस झांसे में आने की हमें उम्मीद ही नहीं है। अच्छा, ये धरने का अभी आज 24वां दिन है, उस दिन पहले ही खलीफा जी के नेतृत्व में हम दिल्ली कूच करने वाले थे। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है, धरना समाप्त होगा या चलता रहेगा, क्या है? तो चलता रहेगा जी, जब तक हमारी मांग नहीं मनेगी, और दिल्ली कूच हमारा इरादा है, अभी मीटिंग चली रही है। तो जो कमेटी गठित हो रही है उससे कुछ संभावनाएं हैं या नहीं है? लिखित में आपको कुछ मिला है या आपकी कोई वार्तालाप हुई है या नहीं हुई है? गठित तो ये उन्होंने किया, अभी तक तो हमारे पास में कोई संज्ञान में बात आई ही नहीं है, और वो गठित उन्होंने अपने रूप में किए है। जब तक हमारा प्रतिनिधिमंडल नहीं मिलेगा, जो हमारी किसान, तब तक हम उसे नहीं मानते। 3 लोगों की बात सामने है, 3 लोग उसमें रहेंगे, डीएम समेत 2 अन्य लोग, तो क्या किसान भी उस टीम में आपकी मांगे की? यही आई पावर कमेटी का मतलब यू है कि हमारे किसान प्रतिनिधि उसमें उतने ही होने जरूरी हैं। हमारा प्राधिकरण और कमिश्नर, डीएम और उन शासन के, और ठीक उसी तरह से हमारे जो इस गौतम जो हमारी समिति है 4, उनकी प्रतिनिधि, सबकी एक ही मांग है, सबका एक ही हक है, सबका एक ही मुद्दा है। अच्छा, ये बताइए तो क्या इस बारे में, इस मामले में जो है बात अटकी हुई है कि आपके लोग भी हों इसमें शामिल और जो है शासन के लोग भी हों? नहीं, अभी तो हमारे पास कुछ आया ही नहीं है, अभी कुछ आया ही नहीं है, तो अभी तो हमारी मांग यही है कि अभी तो कुछ आया ही नहीं, और आ भी जाएगा तो उसमें हमारे जो किसानों के नेता वो रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, 3 अथॉरिटी के सीईओ रहेंगे, डीएम साहब रहेंगे, कमिश्नर साहब रहेंगे, सब रहेंगे, उसके बाद ही तो होएगा, अभी तो कुछ आया ही नहीं। अभी अच्छा, मान लीजिए डिसीजन नहीं आ रहा तो आगे की क्या रणनीति, क्योंकि कुछ दिन पहले आप दिल्ली कूच करने वाले थे, बहुत कशमकश हुई आपके और पुलिस के बीच, मैं भी वहाँ मौजूद था, है ना? नहीं तो अभी जो हमारी जो प्लानिंग तैयारी चल रही है, बिल्कुल उधर से वो आएंगे, इधर से हम जाएंगे, अभी 2 दिन या 3 दिन के लिए स्थगित उधर भी है, इधर भी है, 1 या 2 दिन 3 दिन। अच्छा, ये बताइए कि MSP का बड़ा मामला है और जो हरियाणा और पंजाब के किसान जो है वो सम्भू बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर पर आने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली में आने की, क्या आपका उनको समर्थन है? हाँ, वो हमारा ही है, वही एक ही है, अखिल भारतीय किसान सभा, वो भी वही है, ये भी वही है। तो यहाँ के किसान पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे? बिल्कुल पहुँचेंगे, किसान चाहे उधर का या पंजाब का या कहीं का, हमारा ही किसान है, हम भी किसान, किसान किसान, वो भी सही या कोई भी सही, पंजाब को सही या महाराष्ट्र को सही, हम ही है, किसान रहेंगे। अच्छा, ये बताइए दादा, आप ये बताइए कि उधर तो किसान आ रहे हैं, उधर से पंजाब और हरियाणा वाले बोर्ड, आप यहाँ से किधर कूच करेंगे और कब, कितनी तारीख कोई मुकर्रर हुई है, आपने सहमति बनी है कि भाई हमें दिल्ली जाना है? अभी कोई तारीख मुकर्रर नहीं है दिल्ली जाने की, अब जैसे ही होश आएंगे, प्लानिंग है, मुकर्रर होगी, हम यहाँ से महामाया फ्लाई ओवर से दिल्ली कूच करेंगे। हाँ जी, बताइए। ऐसा है, करीब 100 दिन तो हम पहले धरने पर रहे यहाँ। हाँ। हमारी 10%, 64% और मुआवजा जो रेट है उनके बढ़वाने का, एक कई बार आश्वासन दे चुके, और हमें झूठा शासन के लिए भेज देते हैं,
अब पीछे बोल दिया कि तुम्हें शासन के लिए भेजती है। जो आज किसान कमेटी जो गठित हुई है इनने, वो में डीएम ये दो तीन लोग हैं, वो हमें सिर्फ बरगलाने का काम है इनका। हम किसी भी कीमत पे इनकी कमेटी से सहमत नहीं है। जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे किसान नेता हैं, उनसे हमें कोई इन्होंने की सुनवाई नहीं हुई, ना उन्होंने कोई बात करी इनसे किसी भी तरह से, हमें कोई जानकारी नहीं है। और हम उधर से वो किसान आ रहे हैं, इधर से हम जाएंगे, ये कितनी ताकत लगा लें। कल 700 लोगों पर मुकदमे दायर करे इन्होंने, जो अखबार में है खलीफा पे, सब लोग हमारे अपनी जगह सुरक्षित हैं, वहाँ पहुँचेंगे ठीक है। और इतने हमारी ये सारी मांग नहीं मानी जाती, हम किसी भी कीमत पर नहीं उठेंगे यहाँ से। मतलब उधर से वो कुछ कर रहे हैं, इधर से आप लोग कुछ करेंगे? बिल्कुल कुछ करेंगे हम, ये कितना ही रोक लें, कितना ही रोकथाम कर लें, ये गांव में पुलिस भेज रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, नहीं हम रुकेंगे नहीं इन पर किसी कीमत। आपके गांव में पुलिस जा रही है? हाँ जा रही है पुलिस, हमारे गांव में जा रही है, पुलिस जा रही है। आप मत जाओ, आप उधर मत जाओ, कुछ लोग उठा भी लिए हैं, कुछ साइड में है, मतलब अलग है लोग, समझ रहे हैं इनसे बचा हम, लेकिन सब लोग वहाँ पहुँचेंगे काफ़ी संख्या में। और हमारी तीन चार मांग है जो मेन रह गई, जो शासन स्तर की है, जो इनके स्तर की है, वहाँ में भी ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी आबादी निकाल स्तर भी कुछ नहीं हुआ, ये सारा जो हमारा दिया जा रहा है झूठा झूठा आश्वासन देते हैं। या ना कोई आबादी का निस्तारण है, ना हमारा 10% 64% का निस्तारण है, सिवा झूठा आश्वासन दे के हमें बैठाते बहकाते रहे। और अब हम पूरी आखिरी लड़ाई में तक लड़ेंगे, हम इन पीछे हटने वाले नहीं है किसी भी कीमत पे। दिल्ली जाने का कब का इरादा है, कोई तारीख? कल जा रहे हैं दिल्ली, कल 23 तारीख में, उनके समर्थन में, उनके समर्थन में, उनके समर्थन में भी और अपने समर्थन में भी, जो हमारी यहाँ की मांग है नोएडा ग्रेटर नोएडा की, 10% 64% आप इधर, और वो जो मुआवजे का जो बढ़ा हुआ 2013 से, बिल्कुल। और ये चारों तरफ के नाकेबंदी कर रहे हैं, रोक लगा रहे हैं, इन पर रुके नहीं है हम, हमारे लोग तो पहुंच चुके हैं वहाँ आज। हमारी मेन जो मांगे थी दो थी, 10% प्लॉट हमें मिलना है और नया कानून लागू होना है, वो बोर्ड मीटिंग ने यहाँ से पास होके सरकार को भेज दिया है। हमारा सिर्फ इतना मतलब है, सरकार उन दोनों को पास करके यहाँ भेज दी है हमको, जब बोर्ड मीटिंग में यहाँ पास कर दिया अथॉरिटी ने, सरकार को क्या जरूर पड़ रहा, सरकार को अपनी जेब से थोड़ी देना है। और नहीं होगी तो 23 तारीख को महामाया जाएंगे और सपोर्ट करेंगे, जाम करेंगे बिल्कुल नोएडा को। जो वहाँ से काफ़ी तादाद में उस दिन भी बहुत सारी महिलाएं थी, आज भी यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, तो एक बार बात कर लेते हैं जी। हमारी सहमति इनकी यही मार पड़े, एक साल सारा होगा हमें पड़े ने, हमें 10% को चाहिए, हमारे बालकन को कोई रोजगार भी चाहिए। वाय दिनों से हम पड़े, हमने बालक छोड़ रहा के, धन छोड़ रहा के, अपनी काया बीमार है, हम हार्ट के मरीज है, जो हम यहाँ पड़े दिन रात एक कर रहा हो, हमने तो काय मार कर रहा हो, क्यों ना देते हमारी लागू ही जो आता तो हम किसी की बेईमानी थोड़ी मांग रहे, अपने हक का मांग रहे हैं। आपका क्या नाम है, क्या लग रहा है आपको? लच्छो खानपुर से। 10% मांग है भाई, और कुछ नहीं, हमें और कुछ नहीं, 10% चाहिए हमारा तो। यहाँ पड़े के बच्चे, इनकी नौकरी चाहिए, एक साल से यहाँ पड़े हैं हम, अपने कौम में छोड़े, बीमार भी, दवाई खा रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, क्या हमें किसी की हम चोरी डकैती करें, भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं हम है। अरे हमारा फाइल में पास है 10% था, जान नहीं दे रहे, 4% रोक रहा को, क्यों रोक रहा को ये, इनके बेईमानी है, नस नस में जब रोक रहा को इनने सरकार ने। तो काफ़ी दिन से ये धरना चल रहा है, मैं यहाँ पे मैडम है उनसे बात कर लेता हूँ। मैडम क्या नाम है आपका, थोड़ा बताइए। और ये धरना प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, क्या इसके समाप्त होने की कोई संभावना है या नहीं? संभावना हमें तो कुछ नहीं दिख रही, मेरा नाम रईसा चौहान है, इसकी संभावना में कुछ नहीं दिख रही, झूठ सच कह में धरना पहले भी उठवा दिया और अब धरना इतना ठा नहीं सकते, अगर इससे कोई वो होगी तो हम सूदे दिल्ली जाएंगे, अब दिल्ली से हम अपनी घेरा घेरेंगे और बात मनवा के रहेंगे। और ये मोदी योगी नूना समझे कि ये अकेले नवेडे वाले, ये पूरे चित्र के हमारे भैया है और हम सब एक हैं, और मंदिर मस्जिद को तो बिल्कुल भूल जावे, कोई भी जुल्म में नहीं आ सकता, ये सब हमारे भैया हैं, हम सब का गठबंधन है, और सब गठबंधन से ही हम लड़ रहे और लड़ेंगे और जीतेंगे। मंदिर मस्जिद आप जिक्र कर रही हैं, मतलब वो किस उसमें? मंदिर मस्जिद यू जो मतलब मस्जिद तुड़वा का जो मंदिर बनवाई, तो इस पे भी आदमी नूना समझे कि ये कोई भी नाराज है या खुश है, ये कुछ ही कर ले, इन मुद्दों पे तो बिल्कुल वोट मिलने वाली नहीं है, इन्हें वोट जब भी मिल सके, जो सबका समझौते में बात आवे, सबकी मांग पूरी करे, तो जब तो कुछ हल हो सके, यानी कोई किसी मतलब नहीं किसी चीज का हल होने का, जो इनके हल हो जावे, यानी और भी विरोध ज्यादा बढ़ जाएगा। एक साल से पड़े जी, हम भी अपने बच्चे ने छोड़े पड़े, अपने हक के लिए पड़े हम यहाँ, हमारा कोई समाधान नहीं कर रहे,
अब बताओ हम क्या करें, अपने काम छोड़ के यहाँ आते, एक साल तो पड़े हम ने? बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पियावे बच्चे, तो और क्या करें हमारे हाल। आपका क्या नाम है, क्या बोल रही है आप? मैं यूँ कह रही हूँ, मीना मेरा नाम है, खुई मिलेंगे जा कौन सुई, हम सभी एक है गाँव के है, गांव के। अच्छा। हाँ सब एक हो जाएंगे, हरियाणा हरियाणा के भी हैं और राजस्थान के आ जाओ, पाकिस्तान के आ जाओ, हम सब एक है किसान। हाँ जी बिल्कुल, किसान मजदूर सब एक है, राकेश टिकैत भी कोई अलग नहीं है, वे भी हमारे ही नेता, सब एक है हम, हरियाणा को यूपी के हो या पंजाब के हो या उड़ीसा के हो, सब एक है, मजदूर किसान सब एक है। नोएडा ग्रेटर नोएडा के किसान कल यानी 23 तारीख को दिल्ली कूच करने वाले थे, हालांकि उससे पहले ही शासन प्रशासन की ओर से 3 सदस्यीय एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसमें डीएम समेत 2 अन्य लोग 3 महीने के भीतर सरकार को किसानों से संबंधित मांगों को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके चलते किसानों ने दिल्ली कूच के ऐलान को फिलहाल रोक दिया है। आज 22 तारीख हमारी वो जो हमने कॉल ली थी उसको आज हम वापस कर रहे हैं, क्योंकि वो कमेटी हाई पावर कमेटी बन गई है, आगे की कार्रवाई अपने अपने धरनों पर चर्चा करेंगे, आगे की व्यवस्था बनाएंगे। जय जवान। हालांकि किसानों ने कहा कि वो जो स्थानीय लेवल पर उनका किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं वो उनसे मशवरा करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। इस बारे में हमने गौतम बुद्ध नगर के डीएम से भी बात करने की कोशिश की, जब हम वहाँ पहुँचे तो हालांकि व्यस्तता के चलते उनसे बात नहीं हो सकी। मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुँचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।